हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सेंदड़ा पुलिस की अवैध शराब माफियों के विरुद्ध पुलिस ने कई बड़ी कार्रवाई। पाली जिला पुलिस अधीक्षक पाली ने बताया कि जिला हाजा में चलाए जा रहे लोकल एवं स्पेशल एक्ट अभियान के दौरान एक मुंबीर इतला दी कि एक इशूजू वाहन में अवैध शराब भरी हुई है, जो वाहन रेलफा की तरफ से आ रही है। थाना प्रभारी मनोज कुमार सामरिया पुलिस टीम द्वारा रात्रि में नानगा गांव से पहले नदी के रपट पर मेन रोड पर नाकाबंदी कर एक वाहन को रुकवाने का प्रयास किया, तो मुलजिम फूल सिंह 40 साल निवासी विजराज पुलिस थाना झिनझिनियाली जिला जैसलमेर एवं अन्य मुलजिम वाहन को भगाने लगे। तभी पुलिस बल द्वारा वाहन को घेर कर वाहन चालक के कब्जे से अवैध हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब के बोतलों के कुल 68 कार्टून बरामद किए गए एवं अन्य शीट पर बैठा व्यक्ति कूद कर भाग गया। मुलजिमानों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर फरार अभियुक्त की तलाश जारी। जागरूक टीवी की पाली से दिनेश चौहान की रिपोर्ट।